गाइस, आज का हमारा ब्रेकफास्ट है चाय ग्लास भर के और साथ में मूली का पराठा और अचार। तो आज का ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है गोचर में। हाँ, लेकिन आज का ना, कल को तो हम जाएंगे तब करेंगे ना। तो और अभी हम जाएंगे घूमने बाहर, ऐसे ही देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी खा पी लें, धूप हो रही है बहुत अच्छी और आज है लोहड़ी। तो आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज हमारा गोचर में है लास्ट डे। तो आज वैसे तो हमने हेलीपैड भी घूम लिया और कल नदी के किनारे गए थे, वो भी हम घूम के आ गए, कवर कर लिया हमने अपना। तो आज ऐसे ही देखते हैं। हमारा ना मन है कि मुझे जो पहाड़ियाँ दिखती है ना, उसमें छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं ना गाँव, तो वहाँ जाने का मन है बहुत। देखते हैं कि कैसे घर होते हैं वो। तो आज आज ट्रैकिंग करेंगे और वहाँ ना देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। और मौसम ठीक है, बादल हो भी रहे हैं, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है, और धूप छाँव वाला खेल चल रहा है। तो बस अभी हम घर से बाहर निकले हैं और अभी जाएंगे बाहर। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, और अगर ब्लॉग मेरा पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मोटिवेशन मिले। और आप अगर ब्लॉग स्किप नहीं करोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गोचर का लोकल एरिया, जो गलियां होती हैं गोचर की वो। तो आज हम अंदर से जा रहे हैं ताकि हम वहाँ की कॉलोनी वगैरह देख सकें। और यहाँ पर घर जो होते हैं ना, मोस्टली ग्राउंड फ्लोर ही होते हैं। बड़ी बैंकेट हॉल वगैरह तंगी होता बाहर खड़ी करते होंगे गाड़ी वगैरह। कितना सुंदर घर तो अभी आपने देखनी, गार्डन अच्छे होते हैं। गाइस देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे अभी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। ये लोग रहते होंगे तो कितना सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा लगता होगा जब इधर उधर देखते होंगे। और गली देखो, ये रास्ता देखो कितना संकर हुआ रास्ता है। और यहाँ पे ना सब अपने में गार्डनिंग करने का बहुत शौक होता है, सब ने अपने अपने घरों के आगे, किसी ने सरसों, छोटी सी जगह में गेहूँ, गोभी, सब चीज़ें लगा रखी हैं। आम के पेड़ भी बहुत ज्यादा हैं। इस घर में रहते हैं वो बुढ़िया, ये वाले जो बुढ़िया मेरे गले मिली थी ना, इस घर में रहते हैं इस वाले। काफी बड़ा घर है। वाह, गुड़हल के ये गुड़हल के फूल, ये गुड़हल का पेड़ है क्या चीज का? ये किस का पेड़ है? पता नहीं, इसका फूल बड़ा सुंदर आता है। वाह, गाइस देखो किस, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। देखो आप फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, गुलाब के फूल इतने सुंदर, इतने स्वस्थ, 15 दिन तक भी ताजे से लगते हैं। अच्छा, रास्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं इनके। इधर से जाके ये जहाँ ये बाबा नहीं बैठे। अच्छा अच्छा, गेहूँ बड़े बड़े हो गए, कांटे ही लगा दिए चारों तरफ। गेहूँ लगा हुआ है यहाँ तो, गेहूँ बीच में सरसों। काफी हरी भरी बस्ती है यहाँ पे। हाँ,
इधर ही। गाइस देखो ये है बिच्छू घास, यहाँ की जो पहाड़ी घास होती है ना वो बिच्छू घास। और इसमें ना ऐसा बोलते हैं कि अगर इसको छू लिया जाए ना तो बड़ा करंट सा लगता है, मतलब खुजली होने लगती है, करंट वरंट लगने लगता है, तो इसलिए मैं इसको छू नहीं रही। बहुत ज़्यादा डेंजर घास है ये। और यहाँ पे ना हर जगह पता नहीं शायद ये पहाड़ी घास है तो हर जगह 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 पे है। और देखो कितने सुंदर सुंदर इन लोगों ने खेती कर रखी है, सरसों गेहूँ। और एक घर देखो ये अलग से, इन लोगों के घर भी ना बड़े दूर दूर, एक घर कहीं एक घर कहीं ऐसे होता है, एक घर ये रहा एक घर ये रहा फिर इधर ही है घर। और जो इनके घर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं बीच में घर, वो घर के पास सामने हाँ, और चारों तरफ मतलब चारों तरफ क्या होती है खुला खुला होता है पोर्शन, जैसे हमारे तो बिल्कुल बंद होते हैं। और सब एक जैसे देखो सबकी टाइल्स ही वाली हैं जो सामने वाली टाइल्स हैं। ये ऐसे घर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, नीचे को फिर बीच में चढ़ाई 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 फिर ऊपर ऊपर घर है ना। ये देखो गाइस कैसे घर है होते हैं यहाँ पे चारों तरफ, ये लोग जगह छोड़ते हैं। ये देखो ये घर है, फिर ये चारों तरफ इन्होंने आगे पीछे सब जगह से जगह छोड़ेंगे। ये जीना निकाल रखा है और पीछे बनाएंगे घर, तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और उसी में ये गार्डनिंग कर लेते हैं। ये देखो इस घर में चारों तरफ इन्होंने जगह छोड़ रखी है, काफी बड़ा घर है। कलर देख आशो आसमानी गुलाबी, ये यहाँ का फेवरेट कलर है मुझे लग रहा है। ये हरा हरा एक और हरा लगाते हैं तोता ही सा, ब्लू ग्रीन पिंक। देखो घर की एंट्री कितनी अच्छी है, आया आगे आगे जा रहे हैं। गांव है शायद ये, पता नहीं गांव है कि गांव, ये गांव है ना ये कोई, ये गोचर से लगा हुआ कोई गांव है। हम उसमें ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ये देखो टेरेस फार्मिंग, इन लोगों को देखो कितनी आदत होती है, देखो कितना हम लोग को सांस आने लगी चढ़ते चढ़ते। और इन लोगों का भाई है रोज का काम है। यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। अच्छा पन्नेश्वर का बहुत, ओ पनाई पनाई नाम है इसका, पनाई गांव का। पन्नेश्वर पनाई आगबंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यटन विकास परिषद पनाई गांव, ग्राम देखो वार्ड नंबर 1 पनाई ग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वाली सड़क है जिससे हम उतर के जाएंगे। कहाँ? ये वाली सड़क कहाँ चलना है? वो कह रही पूरी बस्ती पार करके है, इधर से चलो इधर से चलो इधर देखा पहले है ना क्या रास्ता। वैसे यही रास्ता होगा जहाँ तक है आगे तो। पूछ लो किसी से। अरे तो कोई हम कोई खास जगह थोड़ी ना जा रहे हैं। हाँ वो कहीं कहाँ जाना है? पहाड़ी लगा गाड़ी बहुत लोड मानती है। देखो गाइस हम कितना ऊपर आ गए और सांस भी फूलने लगी। और अब नीचे का व्यू देखो, हम लोग बिल्कुल नीचे से आए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। चलो गाइस चलिए 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 चलो गाइस फिर से काका पी लेता हूं नीम जैसा, पता नहीं पर नीम का तो है नहीं ना, बकान का है ना, नीम और बकान का नहीं है ये। यहाँ के पेड़ भी थोड़े अलग अलग हैं, बहुत बड़े होते हैं ना। चलो पहाड़ी नीम तो नहीं है। उठो 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 उठो। हाँ उसकी पत्तियाँ तो वैसी लग रही है नीम के पेड़ की होती हैं। कहाँ उठे
ऐसा तो नहीं किसी के घर के अंदर घुस रहे हो हम लोग। ओ भाई कौन कौन होते हैं इनके घर। गाइस अभी हम पहले गए थे छोटी छोटी पहाड़ियों पर और अब हम आ गए थे हेलीपैड पे। और जब भी हम हेलीपैड की तरफ आते हैं उसी दिन हेलीकॉप्टर आ जाता है, वहां से वो लोग भगा देते हैं, फिर हम आ जाते हैं बिल्कुल पीछे। तो अभी हेलीकॉप्टर यहाँ से गया है फिर पैसेंजर को छोड़ के और लेके, और अब हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर बैठे। आज धूप इतनी तेज है ना कि लग रही है गर्मी। और हमेशा जब भी हम घर से बाहर निकलते थे हम इतना सारा सामान खाने का लेके आते थे तो वहाँ पे खाया नहीं जाता था, और आज हम लेके नहीं आए, पानी लेके आए, मूंगफली लेके आए, चॉकलेट। तो आज मन हो रहा था कि यहीं पे आराम से थोड़ी देर सो जाते, इतनी अच्छी धूप लग रही है, तो आज हम सामान लेके आए खाने पीने का, उल्टा हो गया हमारे साथ। अब अभी हम फिर से जा रहे हैं वापस घर की तरफ, देखते हैं अब कहाँ की तरफ निकलते हैं। हम जाएंगे दूसरे पहाड़ पर। अब हम किसी दूसरे पहाड़ पर जाएंगे। और धूप देखो, सब ने अपने अपनी जैकेट रखो ना, कैसे कर लिया, मैंने भी यहाँ बांध लिया, मम्मी ने भी, इन्होंने भी, सब ने, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप लग रही है इस टाइम। और चल रहा है तो और पसीना आ रहा है, प्लेन में कोहरा है। हाँ जबकि आज नीचे घर पर बात हुई तो वहाँ प्लेन में कोहरा, और यहाँ देखो कितनी चटक धूप निकल रही है, एकदम बढ़िया। आसमान में देखो कितना अच्छा हो रहा है, आसमान है नीला नीला, क्यों पानी है गीला गीला, गोल क्यों है जमीन। आज यहाँ पे रुका था हेलीकॉप्टर, देखो आज यहाँ पे रुका था हेलीकॉप्टर आके, हम ना पहले यहाँ बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे थे, उन्होंने आगे भगा दिया कि यहाँ से जाओ, और सही हुआ। नहीं यहाँ पे नहीं रुका था, आगे रुका था ना, आगे वाले पे, हाँ सॉरी आगे वाले पे, आगे वाले आज पे रुका था, हम लोग वहाँ बैठे थे सारे टीले पे जाके, उन्होंने भगा दिया वहाँ से, और उस दिन नहीं भगाया था। और ये है यहाँ पे पूरा हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, और यहाँ से फिर जाते हैं। डेढ़ बजे गई ठीक है, ये दो बजे छः बड़े संकर होते हैं हमें रास्ते। चलो आ जाएंगे देखो एक आध दिन में यहाँ पर, अभी क्या कहते हैं देखो सैटरडे संडे तक आएंगे तो काम लगवाएंगे। चलो ठीक है फिर साहब, है ओके जी ओके। बड़ी लेट आया हमारे पंडित जी को फीवर, हमें तो आके भी होगी। अरे यार मैंने को तो बड़ी तबीयत खराब हो रही है भाई, वैसे ही है आज जैसे हमारी, हम लोग का भी ऐसी ना ना, ना। कर बहुत कैड़ा आ रहा है, अच्छा खांसी जुकाम बुखार है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, हां कह रहा उठा नहीं जा रहा, तोड़े पड़ा पूरी तरह से। लैंडस्केप मोड में लो, गाइस देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, कि छत और जमीन एक बराबर है, पूरी छत और ये जमीन, और यहाँ पे खड़े हैं हम, और यहाँ से है फिर ये दूसरा घर। कितना बढ़िया है कि आप मतलब जमीन और छत एक बराबर, आराम से कूद के कहीं भी कहीं चले जाओ, और कितना बढ़िया। और हम बहुत बहुत ज़्यादा लंबा लंबा घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन सी गांव में बस्तियों। ओ वाह गाइस ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है यार, वीडियो में तो शायद उतना अच्छे से कैप्चर भी नहीं होगा, इतनी सुंदर टेरेस फार्मिंग लग रही है ना। और वहाँ देखो पत्थर भी हैं, और वहाँ से ना इधर कहीं से झरना बह रहा है शायद कहीं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है देखो। वाह ये बड़ा सुंदर लग रहा है यार, इनकी जमीनें टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती हैं,
सीधी भी कर सकते हो जमीन को, हाँ ये भी है। जैसे ये सीधी करी हुई है, इसी तरह से वो ये जो सीधी ऐसे ऐसे कर देते, हाँ वही ना, ये लोग पट्टियाँ होंगी। अब सीधी सीधी काट लो यार पट्टियाँ टेढ़ी बड़ी। गाइस टाइम हो रहा है शाम का और आज ना हम घूम कर आ गए। हम लोग गए थे आज मतलब बस्ती में होते हुए जो गांव वाँव है ना, पहाड़ी गांव उस वहाँ, तो वहाँ से घूम के आ गए। फिर आके हमने समोसे वगैरह खाए, चाय पी और अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो हमारी आज रात को भी काम आ जाएगी और अगर बस्ती है तो हम सुबह में किसी से नाश्ता करके चले जाएंगे। और मैं आज बना रही हूँ नई वाली नॉन स्टिक कढ़ाई में, ये मम्मी ने अभी कैंटीन से खरीदी है, वो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। मैंने मम्मी को बोल दिया कि एक और ख़रीद लेना क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो इसमें बना रही हूँ मैं अपनी मिक्स वेज और इसके साथ देखो ये लिड भी है, तो भारी भी बहुत ज़्यादा ही आ रही। और ये है मम्मी की कोचर की रसोई, छोटी सी रसोई है जैसा देखो, वैसे टाइल्स है सब लगी जैसे कि गवर्नमेंट क्वार्टर में होती है वो। तो चलिए अभी सब्जी बना लेते हैं। आप कहाँ गए थे जनाब? नहीं, नहीं थे कुछ तो भी थैले में क्या लगे रहे थे? अरे गाड़ी का शीशा।